चार बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार है द लाइव टीवी सच सबसे आगे। गुजरात में भाजपा फेल हो गई। इस राज्य में इस साल के आखिर में चुनाव से पहले ही बीजेपी को एक के बाद एक तगड़ा झटका लग रहा है। भाजपा के खिलाफ गुजरात में राज्यव्यापी आंदोलन की शुरुआत हो चुकी है दोस्तों, जिसको रोकने के लिए बीजेपी ने जिस कमेटी का गठन किया था वो कमेटी अपने काम में फेल हो गई है, क्योंकि अब पूरे राज्य में अनिश्चितकालीन हड़ताल की शुरुआत होने जा रही है। वहीं विरोध प्रदर्शन तो पहले से ही बड़े स्तर पर हो रहा है। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। किसी भी राज्य में विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा इतनी कमजोर दिखाई नहीं पड़ी होगी दोस्तों, जितनी गुजरात में इस वक्त दिखाई दे रही है, जहां एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी से लेकर दिल्ली में बैठी पूरी भाजपा का कुनबा गुजरात विधानसभा चुनाव पर नजरें टिकाए बैठा है कि कुछ ना कुछ करके कुर्सी बचाई जाए, वहीं दूसरी तरफ गुजरात में इनके खिलाफ 17 मुद्दों पर विरोध प्रदर्शन हो रहा है, जिस विरोध प्रदर्शन को रोकने के लिए बीजेपी ने बकायदा कमेटी बनाई थी, लेकिन कमेटी भी आंदोलन नहीं रोक पाई और मोदी जी की नाक कटवा कर रख दी। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर इस वक्त मैं जनसत्ता की खबर दिखा रही हूं, जिसके मुताबिक गुजरात में भाजपा के खिलाफ भूचाल आया हुआ है, सत्ता विरोधी आंदोलन शुरू हो चुका है। सिर्फ अहमदाबाद की अगर आप बात करेंगे तो तकरीबन 17 मुद्दों पर विरोध प्रदर्शन हो रहा है। अब सुनिए कि भाजपा गुजरात में फेल कैसे हुई। दरअसल इन आंदोलन की खबर बीजेपी को कहीं ना कहीं पहले से थी दोस्तों, इसीलिए विचार विमर्श होना शुरू हो गया था और भारतीय जनता पार्टी ने बकायदा इन आंदोलन और विरोध प्रदर्शन को रोकने के लिए 5 मंत्रियों की एक कमेटी का गठन कर दिया था। इस टीम को काम सौंपा गया था कि राज्य में अगर सत्ताधारी भाजपा के खिलाफ कोई आंदोलन होता है या फिर किसी मुद्दे पर आंदोलन होता है, विरोध प्रदर्शन होता है, तो उसे रोकने की जिम्मेदारी इन मंत्रियों की होगी। साथ ही जो लोग विरोध कर रहे होंगे उनकी समस्या को सुनना है, उस पर तत्काल प्रभाव से तुमको संज्ञान भी लेना होगा, ऐसा कह दिया गया था। लेकिन भाजपा के मंत्रियों ने इनमें से एक भी काम नहीं किया, यानी 5 मंत्रियों की यह समिति राज्य में विरोध प्रदर्शन से लेकर आंदोलन तक सब कुछ रोक पाने में फेल साबित हुई है। अब एक मजेदार और दिलचस्प बात और सुनिए दोस्तों। दरअसल भाजपा के आलाकमान यानी नरेंद्र मोदी जी खुद गांधीनगर में स्थित भाजपा मुख्यालय गए थे, अपने कार्यकर्ताओं और नेताओं को सितंबर तक का समय देकर आए थे कि सितंबर तक राज्य में जारी सभी आंदोलनों को समाप्त करना होगा। लेकिन आप खुद देख लीजिए कि भाजपा यहां फेल हो गई है, यानी पीएम मोदी के कहे का भी पालन नहीं हुआ है, क्योंकि विरोध प्रदर्शन अभी तो हो ही रहा है, सितंबर के बाद भी ये विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा, ऐसे संकेत मिल रहे हैं। और ये मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि भाजपा के लिए अहमदाबाद में जारी 17 मुद्दों पर विरोध प्रदर्शन ही एक रोड़ा साबित नहीं होगा, बल्कि भाजपा को 27 सितंबर से एक और बड़ा झटका लगने वाला है, क्योंकि 27 सितंबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल की घोषणा हो चुकी है दोस्तों। जिन 17 मुद्दों को लेकर विरोध प्रदर्शन जारी है, उन विरोध करने वालों में किस किस क्षेत्र के लोग शामिल है, कौन कौन से सेक्टर के लोग शामिल है, यह भी आपको बता देते हैं। शिक्षक, क्लास 4 के सरकारी कर्मचारी, स्वास्थ्य कार्यकर्ता, किसान, लोक रक्षक दल भर्ती के उम्मीदवार, ड्यूटी पर मारे गए सरकारी कर्मचारियों के परिजन, वन रक्षक, मध्यान्ह भोजन कर्मचारी यानी मिड डे मील कर्मचारी, सचिवालय लिपिक कर्मचारी और ग्राम कंप्यूटर उद्यमी, ये सभी इस वक्त सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और सड़कों पर उतरे हैं बकायदा। गुजरात में हड़ताल भी शुरू होने वाली है, जिससे बीजेपी की टेंशन दुगनी तिगुनी होने वाली है दोस्तों। अब सोचिए कि आंदोलनों को खत्म करने के लिए मोदी जी ने समय सीमा तो तय की, सितंबर तक खत्म कर दो, फिर भी ना तो आंदोलन रुके ना ही विरोध प्रदर्शन, क्योंकि बीजेपी के पास ना इन विरोध करने वाले लोगों की समस्या सुनने का वक्त नहीं है। वहीं जब चुनाव नजदीक होंगे तो भारतीय जनता पार्टी के पास इन्हीं लोगों के सामने वोटों के लिए हाथ फैलाने का समय जरूर होगा।
इनकी इन्हीं हरकतों की वजह से दोस्तों गुजरात में ना इस वक्त इनको खदेड़ा जाना शुरू हो चुका है। आप ये कह लीजिए कि चुनाव से पहले रुझान शुरू हो गए हैं। आपको पता होगा गांधीनगर में गुजरात का हर वर्ग, हर सेक्टर, वहां काम करने वाला व्यक्ति भाजपा के खिलाफ सड़कों पर इस वक्त उतरा हुआ है। अभी भी वहां विरोध प्रदर्शन जारी है जिनमें किसान भी शामिल है, लेकिन क्योंकि अभी तक किसानों की समस्या का समाधान नहीं हुआ है, निदान नहीं निकाला गया है, इसलिए किसानों ने भाजपा को गांव से भगाने की मुहिम शुरू कर दी है। एक वीडियो गुजरात के कच्छ का बताया जा रहा है, जहां के मांडवी तालुका के लायजा गांव में भाजपा ने दोस्तों नमो नाम का पंचायत कार्यक्रम रखा। अब ध्यान से सुनिए, इस कार्यक्रम में किसानों ने पहुंचकर न सिर्फ कार्यक्रम बंद करवाया बल्कि भाजपा वालों को गांव से बाहर का रास्ता भी दिखा दिया। जी हाँ, मैं आपको सबसे पहले तो दिखाती हूँ कि चलते कार्यक्रम को, भाजपा के चलते कार्यक्रम को किसानों ने कैसे बीच में जाकर रोका है। सबसे पहले वीडियो देखिए आप। तो पहले किसानों ने इनका विरोध किया, उसके बाद जब भाजपा के लोगों को लगा कि वो सारे के सारे अब धक्के मार कर निकाले जाएंगे, तो उसने गांव वालों को समझाने बुझाने की कोशिश की कि आपके हित के लिए कर रहे हैं, आप ही का हित है इसमें, इस पंचायत में आप ही लोगों का हित छिपा हुआ है। लेकिन फिर भी गांव वालों ने भाजपाइयों की एक नहीं सुनी और कहा कि लौट कर इस गाँव में वापस मत आ जाना, बिल्कुल पहले ही बता दे रहे हैं। ये वीडियो भी आपको दिखा देते हैं दोस्तों, ये वीडियो भी देखिए आप। कहा कि कोई भाजपा वाला गांव में अभी तक आया नहीं और अब आकर ये लोग पंचायत कर रहे हैं। इसके बाद तो किस तरह से धक्के मार कर इनको बाहर निकाला गया है, ये वीडियो में ही देखा जा सकता है, आपने देखा होगा। अब ये विरोध की लहर सिर्फ गांव नहीं बल्कि शहरों तक पहुंची हुई है। जैसे मैंने आपको अभी बताया थोड़ी देर पहले कि गांधीनगर में भारी लेवल पर, भारी स्तर पर विरोध प्रदर्शन इस वक्त हो रहा है। गांधीनगर में ट्रेड यूनियन, आशा वर्कर, सरकारी अधिकारी, किसान हो, पुलिस हो, सभी गुजरात राज्य की बीजेपी सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरे हुए हैं और इन्होंने बीजेपी और पीएम मोदी के खिलाफ नारेबाजी की। दोस्तों वीडियो आपको दिखा देते हैं, ये वाला भी गांधीनगर से आया, सामने आया, ये वीडियो भी देखिए नारी। तो इन नारेबाजी करने वाले लोगों में हर सेक्टर का व्यक्ति शामिल है, चाहे वो स्वास्थ्य विभाग की महिलाएं हो या फिर वन विभाग के पुरुष हो। वहीं बात करेंगे गांधीनगर की, तो ये गुजरात की राजधानी है और इसी गांधीनगर के सचिवालय तक पर हंगामा हो चुका है। दोस्तों अलग अलग क्षेत्र के कर्मचारियों ने कुछ समय पहले गांधीनगर सचिवालय का घेराव करने के साथ साथ काले कपड़े पहनकर विरोध जाहिर किया था। काले कपड़े से मोदी जी को कितनी दिक्कत है ये शायद आप जानते होंगे, आपको याद होगा। तो इन्हीं काले कपड़ों में विरोध प्रदर्शन हुआ है, आपको दोनों वीडियोस दिखा देते हैं, सचिवालय का घेराव किस तरीके से हुआ, काले कपड़े पहनकर विरोध कैसे दर्ज हुआ, ये वीडियोस देखिए।
तो भाजपा से गुजरात की जनता किस हद तक नाराज है, इस बात की गवाही ये तमाम विरोध प्रदर्शन के सबूत दे रहे हैं। 17 मुद्दों पर प्रदर्शन करने वालों की संख्या दिन पर दिन बढ़ती चली जा रही है। हड़ताल भी शुरू होने वाली है, जिसे रोकने के लिए भाजपा की बनाई कमेटी भी कुछ नहीं कर पा रही है। ऐसे में इसका असर आगामी विधानसभा चुनाव पर किस हद तक पड़ता है, ये देखना लाजमी होगा। क्योंकि ये विरोध बढ़ा तो भाजपा की चुनावी जमीन खिसकने बिल्कुल निश्चित है। बहरहाल, इस खबर पर आपकी राय क्या है कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे किसी ऐसी ही खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।